बसमरिमैम पाकिस्तान जनीद हसन मुशत आपके साथ हजर खदमत है एक और दिन एक और एहसास और जज्बा एक और, और उम्मीद एक और दुआ आज भी सिर्फ और सिर्फ आप सब के नाम के अला बादशाह तमाम तर भलाइयों को आपके हम सब के हमेशा के लिए करीब तर कर दे और तमाम तर बुराइयों को आपसे हम सबसे हमेशा के लिए ना सिर्फ दूर तर कर दें बल्कि अभी रखे आमीन सुमी आज के बाबरकत दिन आपके सितारों के हवाले से सिचुएशन क्या होगी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं और हमारा जो है अंदाज भी इसी तरह से होता है बाय द वे सबसे पहले आपके आ, आपको आज के दिन के हवाले से बताते हैं तो जो मदन मुबारक का बाबरकत दिन फ्राइडे है और आज के दिन के अगर तारीख़ के हवालों को अगर हम देखते हैं तो पच्चीस नवंबर दो हज़ार बाईस ईस्वी है मेरे ख़्याल से ये काफ़ी है, काफी है। हमारी तरतीब और तफसलिए यह होती है सबसे पहले आपके सितारे की पहचान बताई जाती है उसके बाद जिक्र होता है कि आज का दिन आपसे क्या कहता है मख्त हवालों से मिसाल के तौर पर शबहसत अगर हम देखते हैं तो उसमें सेहत है दौलत है इज़्ज़त है मोहब्बत है कारोबार है मुलाजमत है और दवा ताल्लुक है इन सब में सिचुएशन आपकी क्या होगी है क्या हो सकती है या हम इस हवाले से क्या कह सकते हैं हम शोहरत को भी इसमें जिक्र करते हैं लकी नंबर लकी कलर आज के दिन के हवाले से भी आपके बताते हैं और आज भी इंशाल्लाह बताने वाले हैं और इसके बाद हमारा जिक्र होता है कि आज का दिन जो है वो आपसे मुख्तफ़ शबा है इसमें कितने फ़ीसद बेहतरी की उम्मीद रखता है या फिर आप बेहतरी की उम्मीद रख सकते हैं या आप इसके लिए क्या बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं अपने दिन को मजीद अच्छा बनाने के लिए सो यही हमारी गुफ्तगु जो है वो आपके साथ जारी और सारी रहती है और इन शे जारी और सारी रहेगी एक, -एक सितारे को हम एक मिनट जो है वो डेडिकेट करते हैं और इस तरह से हमारी हमारा ये पॉडकास्ट जो है वो फिफ्टी फिफ्टीन मिनट का कंप्लीट होता है आप यूट्यूब पर जानते हुए सब्सक्राइब कीजिएगा अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में आप करते हैं बहुत अच्छा लगता है और इसके अलावा कम्यूनिटी टैप आप हमारे साथ होते हैं थैंक यू सो मच और बाकी गुफ्तु चलती रहती है आज मैं सोच रहा था कि ज़िंदगी तेज़ भागती है या हम तेज़ भागते हैं कितनी मुश्किल बात है या फिर ये अंदाज़ा लगाना लम्हे कैसे गुजर जाते हैं और पता भी नहीं चलता और हम बस यादों का ख़ज़ाना लेके बस एक उदासी को दामनगिर किए हुए बैठे होते हैं लेकिन आपने उदास नहीं होना हमें ना आपके साथ रोजाना महाना सलाना और हफ्ता के तमाम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे हफ़्तवार का लिंक आपको टॉप ऑफ द लिस्ट मिलेगा नहीं हफ्तावार को भी इंशाल्लाह हम रेडी करते हैं एज़ सोन एज़ पॉसिबल ताकि आपके साथ शेयर कर सकें और अभी मेरे ख्याल से हम और क्या कह एक एक सितारे की डिटेल गुफगू है और दो हज़ार बाईस के हवाले से है आप उससे इस्तेफादा कीजिए क्योंकि चंद लमहे ही दो हज़ार बाईस के रह चुके हैं फिर हम अगले साल के हवाले से इंशाल्लाह इंफॉर्मेशन जो है वो एज सोन एज़ पॉसिबल आपके साथ शेयर करेंगे बाकी कुछ आना पूछना बताना चाहते हैं मुख्तरा तो वो भी आप ज़िक्र कर सकते हैं और आज के दिन के हवाले से मेरे ख़्याल से अब हमें आगाज़ करना चाहिए बेला तख़िर कोई सजेशन है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं बसमल्ला करते हैं हमारा पहला सितारा जो है वो उब्रज हमल है आप लोगों के हवाले से अगर हम देखते हैं हमली ख़वान हजरात और हम आपको एरियंस भी कहते हैं स्यारा आपका मरीख होता है और इक्कीस मार्च से बीस अप्रैल के दरियान आप लोगों की तारीख पैदाइश होती है आप लोगों को सदका रिकमेंड किया गया था सबसे पहले तो मैं वो कहूँगा कि उसको कंटिन्यू रखें यह बहुत ज़रूरी है अभी जो सिचुएशन है उसके लिए और उसके बाद हम आगे भी चलते हैं तो इसमें आहिस्ता आहस्ता जो है वो सिचुएशन बेहतर होगी क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप पीछे की तरफ चल रहे हैं ना जिंदगी को आगे बढ़ना चाहिए लेकिन आप समझेंगे कि वही पुरानी चीज़ें जो हैं वो दोबारा हो रही हैं ज़िंदगी में जो नहीं होनी चाहिए थी या फिर जो अच्छी नहीं थी तो नेगेटिव भी नहीं होना मुश्किलों से घबराना भी नहीं है आज का दिन जो है वह उस हवाले से काफ़ी अहम होगा पॉजिटिव रहना है और सदका तो आपको रिकमेंड कर चुका हूँ बाकी लकी नंबर दो है सिल्वर एंड वाइट लकी कलर खानदानी में अमूर का मोहब्बत का दवाजी ताल्लुक का और कारोबार का ख्याल रखें हमारा अगला सितारा बुरजे शौर है जब हम कारोबार की बात करते हैं तो फिर इसी में आपका करियर भी आ जाता है और जो आ, फिर इसमें डेफिनेटली दोनों कवर हो जाते हैं बुरजे शोर वालों टॉरस आपको जोडिक साइन है आपका और आपको टॉरियन जरसोरी ख़वादनजा भी कहते हैं स्यारह जोहरा होता है आपका पैदा हुए इक्कीस अप्रैल से बीस मई के दरमियान आपकी तारीख़ें पैदाइश होती है अगर कोई नया काम करना चाहते हैं उसके लिए पैदा करना चाहते हैं और हमें जो टॉरस का फीडबैक आया था उसके अकॉर्डिंग इसको हमने ब्लेंड किया है सो so, अगर कोई नया काम करना चाहते हैं या फिर या फिर कोई जो है वो अपडेट होना चाहते हैं या फिर थोड़ा सा ख़ुद को मजदूर बेहतर करना चाहते हैं अपने करियर के हवाले से सो वेल एंड गुड बिसमिल्ला कीजिए वैसे भी कहा था कि अब आप डिसीजन लीजिए अपने हवाले से और आपको बसमिल्ला करके जो है वो कदम उठाना चाहिए रिस्क भी लेना पड़ता है तो ये वक्त है कि आप रिस्क ले सकते हैं समझें कि रिस्क ज़रूरी हो गया है अगर आप काफ़ी अर्से मुश्किल में थे तो इंशाल्लाह रिस्क लीजिए और आप इससे बेहतरी में आ जाएंगे हमारा अगला सितारा जो है वो बुरज जोज़ा है वक्त का पता नहीं चलता बुरज जोजा वालों आप लोगों के हवाले से अगर हम बात करते हैं स्यारा अतारद 21 मई से 20 जून के दरमियान आप लोगों की तारीख पैदाइश आप लोगों के हवाले से हम क्या कह सकते हैं सबसे पहले तो अपनी सेहत का ख़्याल रखिएगा उसके बाद हम बाकी चीज़ों को देखते हैं क्योंकि जहनी परेशानी जो है ना ये आज भी आपको तंग किए रखेगी छोटी छोटी बातों से घबरा जाना और फिर ज़िंदगी की तमाम शुभ अजीज जो हैं वो इससे डेफिनेटली मुतासर होते हैं जहाँ वह चा, चाहे वो आपकी करियर में परफॉर्मेंस हो या फिर वो किसी वो किसी भी हवाले से कोई बात हो तो वो डेफिनेटली मुतासर होती है सो so, सदक का अमल भी जारी रखना चाहिए जा नहीं कर रहे तो इसको आगाज़ कीजिए क्योंकि रूहानी तौर तो पर ख़ुद को मजबूत करेंगे ना इसके लिए नमाज को भी आपने जो है वो आ, उसका भी सहारा लेना है और ये बहुत ज़रूरी हो गया होगा आपके लिए लेकिन नंबर आठ है ब्लैक एंड ब्लू लकी कलर है सेहत का खास ख्याल रखें और दौलत को सर्व करने के हवाले से महतात रहें बाकी मामलों बेहतर हैं माशाला से इन बेस्ट हमारा अगला सितारा जो है वो बुरजे सरतान है जिसको हम कैंसर कहते हैं सियारा इनका चांद होता है 21 जुलाई से 20 21 जून से 20 जुलाई के दरमियान ऐसा ही कुछ है जी इनकी तारीख पैदाइश होती है अगर आज के दिन को हम देखते हैं तो कह लें कि अनप्रडिक्टेबल है थोड़ी सी यानी अच्छा ये होगा कि आपको अपने जो आप रिजल्ट्स चाहते थे अपनी एफ़र्ट्स का वो आपको मिल मिलेंगे उस हवाले से और आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी कि आप जो करना चाह रहे हैं वो आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और डेफिनेटली पॉजिटिव क्लैरिटी मिलेगी और आपको ये पता चलेगा कि आपको वो कर लेना चाहिए या फिर वो कदम जो आप उठाना चाह रहे हैं वो उठा लेना चाहिए लेकिन नंबर थ्री है येलो लकी कलर है बहुत महताज रहेगी अलबत्त कैरियर के हवाले सेहत जो है वो और ख़ानगी उमूर सिर्फ चालीस फ़ीसद बेहतर है सो इस हवाले से भी ख्याल रखें और तीसरा अपना करियर जो है उस पर बहुत महतात तरीके से चलें हमारा अगला सितारा बुरजे असद है इनका सितारा शम्स होता है आप लोगों के वाले से अगर बात करते हैं तो 21 जुलाई से 21 अगस्त के दरमियान ही आपकी तारीख पैदा सितारा शम्स आज माली लिहाज से अगर कोई रुकावट थी और वो रुकावट आपकी मजबूती में आपके, आपको फाइनेंशली स्ट्रॉग करने के हवाले से तंग कर रही थी तो इन वो मुश्किल तो आज जो है वो रुकावट तो आज जो है जो है वो दूर होती नजर आती है और आप प्रैक्टिकली शाम तक देखेंगे कि इसमें काफ़ी बेहतरी है और इन रहेगी सो आपको पॉजिटिव रहना है और ख़ास तौर पर एक तो आपको फिर इसमें आपने भी अपने बजट को भी आपका कंट्रोल करने का जो है वो टारगेट होना चाहिए लेकिन नंबर एक है औरज एंड और गोल्ड आपके लकी कलर हैं तमाम शुभ हजीज़ में परफॉर्मेंस समझ लेंगे बहुत अच्छी है ड्रेड परसेंट है बिलीव मी सेहत अच्छी है ख़ानदानी मामलत अच्छे हैं नहीं हैं तो होने चाहिए और चालीस फ़ीसद आपके फाइनेंशली जो हैं वो चीज़ें हैं इनको बेहतर करें हमारा अगला सितारा जो है वो, वो बुरजे सुबला है और आप लोगों के हवाले से अगर हम बात करें बहुत से लोग कहते हैं जी आप जो कह देते हैं उतनी अच्छी तो नहीं है जितना आप अच्छा बताते हैं भाई तो ये तो शुक्र होना चाहिए कि कोई अच्छी बात कर रहे हैं नंबर वन और नंबर टू के अगर अच्छा नहीं है तो देखिए डेफिनेटली पॉसिबिलिटी होगी कि आपकी तरफ से यानी हमारी तरफ़ से कोई उसमें छुट छोटी सी कोताही होंगी जिनको हम ठीक करें तो बहुत अच्छा हो सकता है शुभला वालों से आरताराज़ होता है बाईस अगस्त से बाईस सितम्बर के दरमियान तारीख़ें पैदाइश होती है आपको आज कोई रिस्पॉसिबिलिटी मिलती नजर आती है ये किसी भी हवाले से हो सकती है अगर पर्सनली फैमिली मैटर्स के हवाले से हो सकती है तो इसमें इज्जत तो एहतराम ही है और अगर करियर के हवाले से तो प्रमोशन हो सकती है यानी डेफिनेटली इज़्ज़त बढ़ेगी रोज़गार के हवाले से भी जो है वो सिलसिला बढ़ता नजर आता है अगर कारोबार है तो उसमें भी कोई डील होती नज़र आती है और ज़िंदगी में कुछ जो है वो कुछ ना कुछ तब्दीली जो है वो हो स होगी और वगैरह तब्दीली आ नहीं रही तब्दीली आ चुकी है इस तरह का सिलसिला होगा लेकिन नंबर आठ है ब्लैक एंड ब्लू लक कलर हैं ख़ानदानी अमूर और कैरियर पे फोकस करें हमारा अगला सितारा जो है वो बुरज मीज़ान है और आप लोगों के हवाले से अगर बात करें सारा लिब्रा वालों आपका होता है जहरा और तेईस सितम्बर से बाईस अक्टूबर के दरमियान ऐसे ही आपकी तारीख़ पैदाइश को समझा जाता है आप लोगों को भी यही कहूँगा कि रिस्क लेना पड़ता है अपने हालात को बदलने के लिए तो लीजिए लेना पड़ता है यार रिस्क बहुत बड़े बड़े रिस्क लेना पड़ते हैं और इंजर पिंजर बंदे बंदेता हिल जाता है लेकिन आपको वो रिस्क लेना होगा खौफ अलबत सिर्फ़ अल्लाह ताली का रखें किसी और का खौफ आ, किसी भी आ, मादा चीज़ का खौफ खुद तारी ना होने दें फिर देखें ज़िंदगी इन बहुत अच्छी हो जाएगी अल्लाह ताली ही सबका साथ देता है कोई साथ नहीं देता यकीन कीजिए कोई भी नहीं देता सो इसलिए मदद मांगनी है तो अल्लाह ताला से मांगी और अल्लाह ताला ने जो तरीके बताए हैं उनके ज़रिए मदद मांगी लेकिन नंबर दो सिल्वर एंड वाइट लगी कलर है बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है तमाम शोबाजात में क्या बात है जी आपकी स्कॉर्पियो वालों हमारे जो साइंसदान हजरात हैं सियारा आपका मरीख होता है और तेईस अक्टूबर से बाईस नवंबर के दरमियान तारीख़ें पैदाश होती है जो फैमिली मैटर्स हैं उनमें थोड़ा सा आ, कि किस तरह से मुतमल होने मुतमल ये हमदा है आ, सही कह रहा हूँ आई थिंक यानी तहमल मिजाजी की ज़रूरत है और विरासत की उमूर हो गई या कोई भी जो है वो ख़ानदान में झगड़ा वगैरह हो सकता है तो इसमें गु़स्सा नहीं कीजिएगा अपने मामला तला बादशाह पर छोड़ दें सब कुछ यहीं पर रह जाना है चीज़ें बेहतर हो जाएंगी लकी नंबर जो है वो आपका फोर है ब्राउन एंड ग्रे लकी कलर है सेहत अच्छी है इन्वेस्टमेंट के हाले से दौलत भी करियर भी अच्छा चल रहा है बस खानग उम्र का ख्याल रखें लव लाइफ और फैमिली में ख़ासतौर पर जो मेरिड लाइफ है वो थोड़ी सी मुतासर होगी जो भी फैमिली में चल रहा है इस हवाले से बहरहाल मुतासर तो नहीं होने देखने चाहिए अपने रिश्तों को बहरहाल ऐसे ही अड्डे से आने के थ्रू हमारा अगला सितारा जो है वो बुरजे कौश है सारा मुशतरी होता है तेईस नंबर से बीस दिसंबर के दरमियान आप लोगों की तारीख पैदाइश होती है ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है चलती का नाम गाड़ी है चलती का नाम जिंदगी है चलती सांसों का नाम ज़िंदगी है चलते टायरों का नाम गाड़ी है और इसी हवाले से अगर बात करते हैं तो फिर आगे बढ़ने के हवाले से सोचिए ना अगर पुराने मामला को ख़त्म नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ने का सोचेंगे तो बढ़ नहीं पाएंगे ज़िंदगी को नई डगर पर लाने की कोशिश कीजिए इन सब अच्छा होगा और इसके लिए कोई अमली कदम उठाने की उठाइए ना कोर्स वालों के लिए कह रहा हूँ लेकिन नंबर एक और गोल्ड की कलर है और जिन शो में एहतियात करें वो है जी आपकी सेहत लव लाइफ करियर और जो आपकी मैरिड लाइफ है इनमें समझें कि चालीस से साठ फीसद सिचुएशन बेहतर है तौर तो पर जो आपका कैरियर है वो आपकी तवज्जो चाहता है और इसमें आपकी तवज्जो होनी चाहिए तो इन शीज़ें जो है वो ठीक हो जाएंगी हमारे बात करते हैं जी जद्दी वालों की और जद्दी वालों से आपका जोल 21 दिसंबर से 19 जनवरी के दरमियान आपकी तारीख़ पैदाइश होती है आज का दिन अच्छा भी है और थोड़ा सा एहतियात भी है जस्ट लाइक अगर आपने अपने लिए अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से इंडिपेंडेंट वे में जीने का फ़ैसला किया है या उसका ढंग सीख लिया है तो आप समझ आएँ कि अगर नहीं ऐसा किया तो कर लीजिए क्योंकि अगर जिन लोगों ने तो ये कर लिया ना वो बड़े सही रास्ते पर चल निकले हैं तो इंशाल्लाह बेहतरी की उम्मीद है हालात बेहतर होंगे पीछे बार बार नहीं देखिए सब इंशाल्लाह अच्छा होगा आप लोगों के हाले से अगर हम देखते हैं लक नंबर एक औरज एंड गोल्ड लकी कलर है और सेहत ख़ानदानी उमूर मोहब्बत करियर और जो मैरिड लाइफ है इन सब में आपको मुहतात रहने की ज़रूरत है हमारा अगला सितारा जो है वो ऑफ कोर्स बुरजे दल्व है इनका भी सारा जो है वो जहल होता है और आप लोगों के हवाले से अगर देखें तो बीस जनवरी से अठारह फरवरी के दरमियान तारीख़ें पैदाइश होती है सेहत अच्छी है जो अच्छी बात है सो अपने मकासद हासिल करने के हवाले से और उनमें कामयाबी के लिए आपको पॉजिटिव रहना चाहिए मोटिवेटेड रहना चाहिए अगर किसी का इंतज़ार कर रहे थे किसी चीज़ का तो इन वो वो ख़बर जिसका आपको इंतज़ार था वो किसी भी वक्त मिल सकती है और आज का दिन इस हवाले से काफ़ी अहम साबित होगा इन शाला बेस्ट uh, ऑफ लक जी अल्लाह करें आपका हर दिन बहुत अच्छा हुआ इसमें एहतियात जो करनी है लकी नंबर सेवन है क्रीम एंड वाइट लकी कलर्स हैं एहतियात जो करनी है वो सेहत अच्छी है इन्वेस्टमेंट के हवाले से दौलत को सर्व करने के हवाले से फजूल हर चीज़ से गुरेज करते हैं कि फ्वाशारी के साथ चलते हुए ये चंद चीज़ें होती हैं खानदानी जो अमूर हैं उनके हमारे एहतियात की जरूरत है करियर पे फोकस करने की जरूरत है चालीस फीसदी में बेहतरीन नज़र आ रही है जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलते हैं उनकी मौजूनीत के अकॉर्डिंग आपको उनको जो है वो पिक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये डिसीजन लेना चाहिए हमारा आखिरी सितारा बुरजे हूत है आप लोगों के हवाले से अगर देखते हैं तो सारा मुश्तरी जुपिटर उन्नीस फरवरी से बीस मार्च के दरमियान तारीख के पैदाश अगर कानूनी मामल या घरेलू उलझन वगैरह का शिकार हैं तो इनशाला से तो ज़रूर आप निकल आएँगे आज वो तो मसला आज हल हो जाएगा रूहानी लिहाज से आज का दिन अहम है और कोई ख़्वाब आज आप देखते नज़र आते हैं ना अला बादशाह से दुआ है कि वो आपको पूरा भी हो अगर डिटेल में कहूँ लेकिन नंबर फाइव ग्रीन कलर है और अच्छा जी हमारे पास वक्त कितना है सोफ़ी सेहत है सोफ़ी से दौलत है चालीस फ़ीसद खानदानी में है साठ फ़ीसद मोहब्बत है बीस फ़ीसद कारोबारी में मनाते हैं और साठ फ़ीसद दस दबारे हैं पॉजिटिव रहिए मोटिवेटेड रहिए जो पेंडिक पे चीज़ें हैं उनके हवाले से उनका उन पे फोकस करें बड़ा ज़बरदस्त सिलसिला है यूट्यूब पे की जिंदगी हमें सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा फिर आपसे मुलाकात होती है जो मतलब मुबारक हैदुर पाक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा अल्लाह नबी वारिस